हे एवरीवन, आई एम चंचल फोर्ड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट पेपर 2 के आंसर्स को। दिस पेपर वाज कंडक्टेड ऑन 4 दिसंबर 2019। एनटीए ने अपने आंसर की को रिलीज कर दिया है एंड उन्हीं आंसर के बेसिस पर आज हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है तो आप उसे एनटीए की वेबसाइट पर जाकर चैलेंज कर सकते हैं। ऑल्सो टू स्टे कनेक्टेड एंड टू गेट ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू द यूजीसी नेट, do subscribe to our channel. Without wasting any time, let us move on to the questions. The first question asked in the management paper was, why has the bureaucratic form of organization been fundamentally questioned? तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि bureaucratic organization क्या होती है, जहाँ पर कि rules को बहुत strictly follow किया जाता है, एक structure को पहले से बनाया जाता है, एक hierarchy को follow किया जाता है, right? तो इस question में ये पूछा गया है कि bureaucratic फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कौन सी चीज क्वेश्चन करती है। द ऑप्शन इज सेकंड, दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपीरियंसिंग एक्यूट प्रेशर टू चेंज एंड परस्यू इनोवेशन एज अ मींस ऑफ सिक्योरिंग बिजनेस ग्रोथ। देन द सेकंड क्वेश्चन वाज, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस 2008, एन एमएसएमई इज कंसिडर्ड टू हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ इंसिपिएंट सिकनेस इफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर ट्रिगर्ड। तो कौन से इवेंट्स है जिसकी वजह से एमएसएमई को सिक माना जाता है एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस। तो यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट दिया गया है, इट इज रिलेटेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। देन ऑल अदर थ्री ऑप्शंस हैव बीन मेंशन्ड इन द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई, देयरफॉर योर आंसर वुड बी ए, बी एंड सी, व्हिच इज ऑप्शन 2। देन थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटिंग टू द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर पूछा गया है कि किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आपकी फर्म जो है वो लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। द फोर्थ क्वेश्चन सेज कि एटीट्यूड को करेक्टली कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब करता है। तो एटीट्यूड्स हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारी वैल्यूज होती हैं रिलेटिंग टू द डिफरेंट पीपल, आइडियाज एंड ऑब्जेक्ट। सो द आंसर हियर इज फोर्थ ऑप्शन। देन द फिफ्थ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजनिंग। हियर the assertion says the addition of independent variable causes the prediction error to become smaller, क्योंकि जैसे ही आप independent variable को introduce करते हैं तो आपके जो error के chances है वो कम हो जाते हैं। अब reason is because with addition of an independent variable r square becomes larger to cause smaller prediction error। यहाँ पर r square जो होता है वो होता है coefficient of determination, जिस का फॉर्मूला है एक्सप्लेन्ड वेरिएंस अपॉन द टोटल वेरिएंस। तो जब हमारी एक्सप्लेन्ड वेरिएंस लार्जर हो जाएगी तो ऑब्वियसली हमारा प्रेडिक्शन एरर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है असर्शन के लिए। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू फोरकास्टिंग टेक्निक। हियर द क्वेश्चन सेज दैट अ फोरकास्टिंग टेक्निक इन व्हिच द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पर्सन हु आर फिजिकली डिस्पोज्ड and are anonymous to one another। तो ये कौन सी टेक्निक होती है? डेल्फी टेक्निक। क्योंकि डेल्फी टेक्निक में सारे लोगों को अलग अलग रूम्स में बिठाया जाता है और वहां पर वो अपने आइडियाज को लिखते हैं एंड देन देयर इज अ ग्रुप डिस्कशन। देन द सेवेंथ क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस। हियर इट इज आस्क्ड दैट द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज गिवन बाय डेविड रिकार्डो इन 1817 इज। तो हमने ये पढ़ा हुआ है, ये थ्योरी दो कमोडिटीज, दो कंट्रीज और वन फैक्टर पर डिपेंडेंट है। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन 4। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन इज एवरी प्रोडक्ट और सर्विस शुड बी ब्रांडेड अदरवाइज दे विल बी ट्रीटेड एज कमोडिटी। अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड नहीं है तो वो एक कमोडिटी ही ट्रीट किया जाता है। द रीजन फॉर दिस इज गिवन दैट इफ द प्रोडक्ट और सर्विस इज ब्रांडेड देन इट ऑलवेज कमांड्स अ हाई प्राइस। ऐसा जरूरी नहीं है। So the reasoning is wrong, whereas the assertion is right. Therefore, the correct option here is option number 3. Ninth question is related to budgeting. यहाँ पर आपको sequence बताना है budgeting का. So the sequence here is setting the objective. उसके बाद आप goals को specify करें, उसके बाद strategies को बनाएं and finally अपने budgets को prepare करें. So the correct option is option number 1. Then the next question is from statistics. यहाँ पर हमें बताना है कि जो पॉइंट एस्टिमेट और ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर के बीच में डिफरेंस आता है उसे क्या बोलते हैं. सो इट इज नोन एज सैम्पलिंग एरर एज वेल एज दी एस्टिमेशन एरर. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. द 11th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्यूइंग थ्योरी. सो क्यूइंग थ्योरी में हम क्या करते हैं, जो वेटिंग लाइंस होती है या क्यू होती है उन्हें मैथमेटिकली पढ़ते हैं. इसके अंडर हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. देन द 12th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन क्या है, international product standardization is least costly in terms of both manufacturing and marketing cost for the company, so the companies should bring uniformity in their marketing mix elements. agar aap standardize rakhoge to economies of scale ka benefit hoga and hence wo least costly hoga. so assertion to yahan par theek hai. reasoning kya hai, no change in the product itself is required for marketing. marketing ke liye koi change nahi chahiye, lekin कुछ आइटम्स को चेंज करना पड़ता है ताकि हम उन्हें फॉरेन मार्केट से अडैप्ट कर पाए. तो यहाँ पर रीजनिंग भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो रीजनिंग है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड कर रही फॉर द असर्शन. देयरफॉर द ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर, दैट बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको डिविडेंड कंस्ट्रक्ट्स दिए गए हैं और थ्योरीज ऑन डिविडेंड दी गई हैं. तो MM थ्योरी जो है वो किससे रिलेटेड है, इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड. इररेलेवेंस की थ्योरी MM थ्योरी है, ये आपको पता है. बाकी सारी जो थ्योरी है जैसे कि वॉल्टर, गॉर्डन, ये सारी रेलेवेंस पर डिपेंडेंट है. देन द सेकंड इज वॉल्टर मॉडल. वॉल्टर मॉडल आपको इंटरडिपेंडेंस शो करता है बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड द डिविडेंड डिसीजंस. देन द लिंटो मॉडल. लिंटो मॉडल आपका टैक्स कंसिडर करता है डिविडेंड डिसीजन में. एंड फाइनली गॉर्डन मॉडल, जो बर्डन हैंड आर्ग्यूमेंट है वो गॉर्डन ने दिया था. देयरफॉर इसका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट. सो ऑन दीज मैचिंग द आंसर कम्स आउट टू बी द फोर्थ ऑप्शन. देन अगेन मैच द फॉलोइंग. ब्रांडिंग स्ट्रेटजी और मीनिंग को मैच करना है. यहाँ पर सबसे पहले आता है लाइन एक्सटेंशन. लाइन एक्सटेंशन मतलब कि आपका ब्रांड नेम सेम है और सेम प्रोडक्ट है, आप उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं. तो ए का होगा सेकेंड. देन सेकेंड इज ब्रांड एक्सटेंशन, मतलब कि आप अपने ब्रांड को बढ़ा रहे हैं, मतलब इसमें नए प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहे हैं. तो यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम, दैट मींस द फर्स्ट. उसके बाद मल्टी ब्रांड्स, नाम से काफी क्लियर है, बहुत सारे ब्रांड्स. एंड लास्ट इज को ब्रांड. को ब्रांड का मतलब होता है जब हम दो ब्रांड्स की बात करें. सो डी का होगा ये एंड सी का होगा ये. सो अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर कम्स आउट टू बी द ऑप्शन नंबर 2. मूविंग ऑन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के 4 पीस, ये हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं बिजनेस स्टडीज में. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, यही सीक्वेंस है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. देन द नेक्स्ट इज कि एंटरप्रेन्योर कौन से फैक्टर से मोटिवेट होते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. सो देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स. जो यहाँ पर 4 फैक्टर्स है वो चारों फैक्टर्स बिल्कुल ठीक है. ये सारे फैक्टर्स एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करते हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे. So the answer here is option number 4. Next question is of the job training methods बताने हैं. अब देखिए job rotation और coaching जो होता है वो on the job होता है. उसके अलावा जो job instruction training है वो भी on the job है. Therefore A और B बचता है, ये दोनों आपके of the job training methods है. So the answer here would be option number 2. Moving on, यहाँ पर भी आपको match करने हैं. अगर आप को सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब भी पता हो तो भी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते थे. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है कि जब आप आइडेंटिफाई करें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ह्यूमन या एम्प्लॉइज की नीड है एंड उसी के अकॉर्डिंग आप उन्हें रिक्रूट करें एंड सेलेक्ट करें. सो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिलेट्स टू द थर्ड पॉइंट. और सारे ऑप्शंस में से ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. बाकी टर्म्स भी देख लेते हैं. करियर प्लानिंग. करियर प्लानिंग का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल कैसे अपने गोल्स को सेट करता है और उन्हें कैसे अचीव करता है. सो फर्स्ट ऑप्शन. करियर डेवलपमेंट का मतलब होता है एक फॉर्मल अप्रोच जिससे कि फर्म ये इंश्योर कर सकती है कि उसके पास रिक्वायर्ड लोग हैं विद द प्रॉपर क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस. देन करियर मैनेजमेंट. तो यहाँ पर ये एक प्रोसेस है जिससे कि एम्प्लॉइज ये समझ पाते हैं कि कैसे वो अपनी स्किल्स और इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं और कैसे फर्म उन्हें यूज कर सकती है फॉर देयर बेनिफिट। देन मूविंग ऑन 19th क्वेश्चन में आपको पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स को पूछा गया है। तो ये स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले प्रोस्पेक्ट करेंगे, फिर प्री अप्रोच, फिर आप कस्टमर को जाकर अप्रोच करेंगे, उसे अपने प्रोडक्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, दैट इज प्रेजेंटेशन। उसके बाद ओवरकमिंग द ऑब्जेक्शंस, फाइनली क्लोजिंग योर प्रेजेंटेशन एंड देन द फॉलो अप। सो द ऑप्शन करेक्ट हियर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज को मैच करना है उनके प्रोपाउंडर्स से। सो थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। सो द फोर्थ, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी किसने दी थी? हेक्सर ओलन ने। देन कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी किसने दी थी? स्टीफन लिंडर ने। एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी दी थी रेमंड वार्नर ने। अकॉर्डिंग टू दिस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से पोर्टफोलियो थ्योरी ने कैपिटल मार्केट थ्योरी को डेवलप किया? तो जब हमने CML दैट इज कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन पढ़ा था, वहां पर हमने रिस्क फ्री एसेट की बात करी थी। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। द आंसर इज रिस्क फ्री एसेट। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग से जो गेन्स होते हैं वो किससे डिराइव होते हैं? तो सबसे पहले कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? कि हम अपने स्ट्रक्चर या ऑपरेशंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अगर हम उन्हें मॉडिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट करेंगे, हमारी मार्केट पावर इंक्रीज होगी और हमें ऑपरेटिंग सिनर्जी मिलेगी, मतलब हमारे ऑपरेशन से हमें ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। सो दीज 3 फैक्टर्स विल बी इंक्लूडेड। सो द ऑप्शन करेक्ट हियर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज A, B and D। Then the next question is based on assertion and reasoning. The assertion says the basic thrust of strategic decision making in the process of strategic management is to make a choice regarding the courses of action to adopt, which is the primary task of senior management. ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर senior management का ही ये task होता है कि वो कैसे strategically अपने decisions को ले रही है और strategic decision क्यों लिए जाते हैं, ताकि वो कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर पाए, जैसे कि व्हाट इज आवर बिजनेस, व्हाट विल इट बी एंड व्हाट शुड इट बी। तो असर्शन भी ठीक है और रीजनिंग भी ठीक है, और रीजनिंग जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज टू मैच द मॉरल रीजनिंग विद इट्स प्रोपाउंडर्स। तो कॉन्सिक्वेंटलिज्म अप्रोच जो है वो थॉमस हॉब्स और एवरैंड ने दिया। डियोंटोलॉजिकल अप्रोच आपका रॉस और जॉन रॉल्स ने दिया। देन नेचुरल लॉ थ्योरी आपकी रोनाल्ड वाइट ने दी थी। एंड फाइनली थियोलॉजिकल अप्रोच जो है एरिस्टोटल ने दिया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा और ये क्वेश्चंस हर बार पूछे भी जाते हैं, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंड दे चेंज दी थ्योरीज ऑल्सो, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इन क्वेश्चंस को याद रखें। सो द ऑप्शन करेक्ट हियर इज ऑप्शन नंबर 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द गैप्स मॉडल। गैप्स मॉडल ने 5 गैप्स को आइडेंटिफाई किया है। वो 5 गैप कौन से हैं? वो सारे यहाँ पर मेंशन्ड है, दैट इज नॉलेज, पॉलिसी, डिलीवरी, कम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर। तो जो गैप 4 है वो किसकी बात करता है? कम्युनिकेशन गैप की। ऑप्शंस में से आपका सेकंड ऑप्शन कम्युनिकेशन गैप की बात कर रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सर्विस डिलीवर्ड एंड द प्रॉमिस मेड टू द कंज्यूमर। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सिंप्लेक्स। अब ये सारे टर्म सिंप्लेक्स से रिलेटेड हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है द सिचुएशन ऑफ साइमल्टेनियस सैटिस्फैक्शन ऑफ रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा रूल इज टर्म्ड एज। तो ये टर्म कौन सी है? इसे बोलते हैं डिजेनेरेसी। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। देन 27th क्वेश्चन, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर की बात की गई है। आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर है वो 3 एक्सपोजर से बनता है, दैट इज ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन एंड इकोनॉमिक। तो यहाँ पर आंसर भी यही 3 होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज A, B and C, which is ऑप्शन नंबर 4। Moving on to the next question. When an activity is not connected to any of the intermediate or end event and has no bearing on the project completion is known as dangling. आपको डेफिनेशन से काफी क्लियर होगा कि एक्टिविटी ना तो किसी इंटरमीडिएट इवेंट से कनेक्टेड है ना ही एंड इवेंट से। तो ऑब्वियसली डैंगलिंग का मतलब क्या होता है? लटकना, राइट? तो यहाँ पर भी जो इवेंट है किसी से कनेक्टेड नहीं है। बाकी सारी टर्म्स भी आपके पोर्ट CPM से कनेक्टेड हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल्स। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो इससे आपकी फॉर्म में पैसा आएगा, दैट इज द सोर्स ऑफ फंड। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज ग्लोबल मैनेजर हैज द कल्चरल प्रीडिस्पोजिशन एज फॉलोज। यहाँ पर EPRG फ्रेमवर्क की बात की गई है जो कि कल्चरल मैनेजमेंट के अंडर आता है। E मतलब एथनोसेंट्रिज्म, P मतलब पॉलीसेंट्रिज्म, R मतलब रीजनोसेंट्रिज्म और G मतलब जियोसेंट्रलिज्म। सो इनका सीक्वेंस इज EPRG। सो द करेक्ट ऑप्शन इज DCAB, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 31, इट इज रिलेटेड टू दी फोरकास्टिंग टेक्निक। यहाँ पर पूछा है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करने की टेक्निक कौन सी नहीं है। सो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट द आंसर गिवन एज पर दी NTA इज रिप्लेसमेंट चार्ट्स। बट रिप्लेसमेंट चार्ट जो होते हैं वो भी आपके सक्सेशन प्लानिंग को फोरकास्ट करने में यूज किए जाते हैं। सो दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड, बट द correct option according to NTA is given as option number 4. Then the next question is question number 32. यहाँ पर आपका accounting ratios से question आया है। अगर आप इन सारे accounting ratios के formula को put करेंगे तो आप easily answer तक पहुँच पाएंगे। Let me write the formulas for you and then you can use those formula in order to get your answer. So the formula for total asset turnover ratio is net sales upon total assets. The formula for total asset to net worth ratio is total assets upon the net worth, and here net worth is nothing but total assets minus total liabilities. And then the formula for net profit margin is net profit upon net sales into 100, and here you need to calculate the return on equity, जिसका formula होता है net profit upon equity capital. अगर आप यहाँ पर सारी चीजों को लाइबिलिटीज के टर्म्स में ले लेंगे तो आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। द आंसर हियर इज फोर्थ ऑप्शन, दैट इज 0.28। मूविंग ऑन, अब यहाँ पर मिन्सबर्ग मॉडल की बात की गई है ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। इसके 4 मोड्स दिए थे मिन्सबर्ग ने, दोस 4 मोड्स आर मेंशन्ड हियर, और ये चारों मोड्स जो हैं आपके ऑप्शन नंबर A और C में कवर किए गए हैं। ऑप्शन नंबर B और डी में आपको 2 एक्स्ट्रा मोड्स दिए गए हैं जैसे कि जजमेंटल और लीडरशिप, विच आर नॉट गिवन बाय मिन्सबर्ग। सो हियर द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर, कस्टमर टाइम वैल्यू का फॉर्मूला पूछा गया है। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज हमें प्राइमरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स को बताना है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 गिवन है दैट इज कॉर्पोरेट डेटाबेस, वो आपका सेकेंडरी मेथड है, बाकी तीनों आपके प्राइमरी मेथड्स हैं। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। तो ये आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर नहीं आता, रैदर इट कम्स अंडर द परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो बाकी तीनों ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंडर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग फॉरवर्ड, इंटरनेशनल नेगोशिएशन के स्टेप्स को बताना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए स्टेप्स मेंशन कर दिए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिटेलिंग फर्म के लिए स्ट्रैटेजिक इश्यूज क्या होंगे। लोकेशन डिसीजन उसको लेना पड़ेगा, मर्केंडाइज मिक्स डिसीजन भी लेना होगा और टारगेट मार्केट सिलेक्शन भी लेना होगा। यहाँ पर ब्रांड बिल्डिंग डिसीजन एक रिटेलिंग फर्म नहीं लेती है क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ब्रांड को प्रमोट करना नहीं है, रादर अपनी सेल्स को बढ़ाना है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज एंड्रयू कैनेजी व्यू ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज रिफ्लेक्टेड इन हिज बुक द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ बेस्ड। इसका आंसर इज चैरिटी प्रिंसिपल एंड स्टीवर्ड प्रिंसिपल, दैट इज C and D, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है फॉर विच यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग से रिलेटेड है। अगर यहाँ पर आपको पता हो कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल किसने दिया था, शापाल, इंटर एंड मॉइजन ने, तो भी आपका आंसर काफी क्लियरली ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है। बाकी चीजें आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, हमें क्वेस्ट के सीक्वेंस को बताना है। क्वेस्ट क्या है, इट इज क्विक एनवायरमेंटल स्कैनिंग टेक्निक। एक्सटर्नल एनालिसिस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसके सीक्वेंस क्या होते हैं, फर्स्टली the preparation phase, then the divergent planning phase, then option identification phase, and finally the scenario development phase. So the answer is option number 2 here. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कैटेगरीज को उनके सर्टिफिकेशन मार्क से मैच करना है. सो आपका गोल्ड एंड ज्वेलरी आपको पता होगा हॉलमार्क से रिलेटेड है. आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन मार्किंग होती है एग मार्क से. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ISI मार्क एंड प्रोसेस्ड फूड के लिए FPO मार्क यूज किया जाता है. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्केटिंग फीजिबिलिटी ऑफ एनी आइडिया इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट. यहाँ पर जो डी ऑप्शन है दैट इज मार्केट टेस्टिंग, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंडर की जाती है. देयरफॉर मार्केटिंग फीजिबिलिटी में सिर्फ ABC को इंक्लूड किया जाएगा. सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्टली डिस्क्राइब्ड बाय 210 NET 30. सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कस्टमर को 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर वो पेमेंट कर देता है विदिन 10 days, वेयर एज उसे सारी पेमेंट करनी पड़ेगी अगर वो पेमेंट 30 days के अंदर करता है. सो इस 2/10 NET 30 को क्या बोलते हैं? दीज आर दी क्रेडिट टर्म्स. सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट एस्टिमेट्स. तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टी है एडिक्वेसी, ये पॉइंट एस्टिमेट की प्रॉपर्टी नहीं है. बाकी तीनों आपकी प्रॉपर्टीज हैं पॉइंट एस्टिमेट की. सो द आंसर वुड बी हियर A, B and D, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो आई हैव मेंशन्ड द मेंबर्स हियर. इनमें से अगर देखा जाए जापान इज नॉट द मेंबर, देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the closest to the nature of decision making? आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन मेकिंग की. सो इट वुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूविंग फॉरवर्ड. सो हियर पोल लिमिटेड कंपनी परचेज्ड अ वैन फॉर 12,000, मेकिंग अ डाउन पेमेंट ऑफ 5,000, साइनिंग 7,000 नोट पेबल इन 60 days. सो यहाँ पर आपका एसेट 12,000 से बढ़ा वेयर एज 5,000 से कम हो गया. वेयर एज आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई क्योंकि आपको यहाँ पर बिल पेबल देना है. तो आपकी लाइबिलिटी 7,000 से इंक्रीज हुई. तो आपका ऑप्शन नंबर 2 तो ठीक है. उसके अलावा आपका ऑप्शन नंबर C भी ठीक है क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से ओनर्स की इक्विटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा. सो B and C आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स हियर. सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स कम्युनिकेशन में किस वजह से आते हैं. तो आपका जो ये हिरार्की और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज है इसकी वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर्स नहीं आते. उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज है या स्टेटस रिलेशनशिप है उसकी वजह से भी ये बैरियर्स क्रिएट नहीं होते. तो जो बाकी 2 ऑप्शंस है जैसे कि प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, पुअर रिटेंशन और लैक ऑफ रिलायंस, इनकी वजह से साइकोलॉजिकल बैरियर्स जो है वो अराइज होते हैं. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2. मूविंग फॉरवर्ड. डायरेक्ट मार्केटिंग किस तरीके से की जा सकती है. आपका यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो सेलिंग से रिलेटेड है. सो यू कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन. बाकी तीनों ऑप्शन आपके डायरेक्ट मार्केटिंग से रिलेटेड हैं. देयरफॉर A, B and C आर द राइट स्टेटमेंट्स एंड हेंस द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स प्रोसीजर्स. आपके जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोसीजर हैं वो किसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं? फॉर द डिसीजन मेकिंग. आपको एकदम से HR पढ़ के रिक्रूटमेंट दिमाग में आया होगा, बट रिक्रूटमेंट इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स के प्रोसीजर्स हमें हेल्प करते हैं. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एक्सपेंशन एंट्री मोड्स. तो इन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, मतलब कि सबसे पहले एक फॉर्म कैसे एंटर करती है जहां पर सबसे कम रिस्क हो. तो एक्सपोर्टिंग में सबसे कम रिस्क होता है, तो एक्सपोर्टिंग से एक फॉर्म स्टार्ट करेगी, उसके बाद लाइसेंसिंग, फिर फ्रेंचाइजिंग, फिर पार्टनरिंग एंड फाइनली स्ट्रेटेजिक अलायंस. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 4. मूविंग फॉरवर्ड. यहाँ पर आपको हाइपर कॉम्पिटिशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना है. सो कॉम्पिटिशन्स गेट बोल्ड, अग्रेसिव एंड हॉस्टाइल. ऑब्वियसली जब हाइपर कॉम्पिटिशन है मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है तो क्या होगा? आपकी डायनेमिक मूवमेंट्स हो जाएंगी. देन आपकी प्रोडक्ट साइकिल या डिजाइन लाइफ साइकिल जो है वो भी शॉर्ट होगी, एज वेल एज एक अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट में. देयरफॉर ओनली द फोर्थ ऑप्शन दैट इज फाइनेंसिंग ऑफ कॉस्ट बिकम हाई इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपर कॉम्पिटिशन. सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एरर्स. तो यहाँ पर हब्रिस हाइपोथेसिस की डेफिनेशन दी गई है क्वेश्चन में. व्हेन द मैनेजर्स कमिट एरर्स of over optimism in evaluating merger opportunities due to excessive pride or animal spirit is termed as. Therefore यहाँ पर correct option is option number 3 क्योंकि यहाँ पर directly आपको definition दे दी गई है. Then moving forward, which of the following is not a source of opportunity identification? तो आप opportunities या ideas कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? अपने friend से, अपनी family member से, अपने ex employees से, अपने dealer से. Whereas आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. मूविंग फॉरवर्ड, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स में मर्जर एंड एक्विजिशन किसके अंदर आता है? तो अगर आपको पता हो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है कि आपका यहाँ पर एग्जिस्टिंग मार्केट है, यहाँ पर न्यू मार्केट है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और यहाँ पर आपका न्यू प्रोडक्ट है. तो अगर न्यू प्रोडक्ट होगा और न्यू मार्केट होगी तो उसे बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन. अगर न्यू प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर न्यू मार्केट है तो मार्केट डेवलपमेंट, और अगर एग्जिस्टिंग है दोनों चीजें तो आपका होगा पेनिट्रेशन. तो मर्जर एंड एक्विजिशन आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन में, दैट इज द न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट. देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर. मूविंग फॉरवर्ड, modern organized retail business has a multitude of formats. These formats can be classified according to merchandise offered. मतलब कि कौन से प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उसके बाद आपके स्टोर का साइज क्या है. यहाँ पर आपको कस्टमर ग्रुप से इफेक्ट नहीं पड़ेगा. देयरफॉर ए एंड बी आपको इंक्लूड करना है. सो द ऑप्शन 4 इंक्लूड्स बोथ ऑफ देम एंड हेंस द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 4. Moving forward to the next question, who propounded the force field theory? ये काफी direct और factual question है. So Covert Lewin propounded this theory. So the answer is option number 1. यहाँ पर आपको strategy को example से match करना है. तो merger कौन सा है इनमें से? It is option 3. Whereas acquisition कौन सा है? First वाला. Takeover कौन सा है? Second. And hostile bid कौन सी है? Last. Therefore, the option correct here is option number 4. Moving forward, which of the following methods of capital budgeting is best suited for leveraged projects? Leveraged projects के लिए आपकी NPV best method है, that is net present value, whose formula is present value of cash inflow minus the present value of cash outflows. So here the option 1 is correct. अब यहाँ पर आपको selection का sequence बताना है. तो जब आप सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉइज की तो सबसे पहले आप उनसे एप्लीकेशन मंगवाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, फिर एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं, फिर एक फाइनल इंटरव्यू लिया जाता है, देन आप रेफरेंसेस को चेक करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1. मूविंग फॉरवर्ड, कंबाइंड लिवरेज. कंबाइंड लिवरेज आपको पता होगा क्या होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू फाइनेंशियल लिवरेज. देयरफॉर ना तो ये समेशन है और ना ही ये डिफरेंस है ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज का. तो यहाँ पर ऑप्शन बचता है बी एंड डी, व्हिच इज द करेक्ट ऑप्शन. सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कंसेप्ट टेस्टिंग, टेस्ट मार्केटिंग और प्रोडक्ट टेस्टिंग किसमें आता है? ये आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में. अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि टेस्ट मार्केटिंग किसके अंडर आता है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. Next question is, human resource helps build successful cross-border alliances by ensuring that. अब आपको पता है human resource किसमें help करता है, कि कैसे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की सीट्स को फुल करें, मतलब कि कैसे हम एम्प्लॉयज को रिक्रूट करें. सो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर्स आर स्टाफ्ड बाय हाई क्वालिटी मैनेजर्स. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following describes a combination of manufacturing system designed to ensure that 100% good units flow to the subsequent operations? तो कौन सी techniques होंगी? Automation and Bakayoke techniques. So these techniques helps to ensure that the 100% good units flow to the subsequent operations. So the correct option is option number 3. Moving forward to the next question. Human resource selection किससे concerned है? जैसे कि हमें पता है ये एक negative process होता है, यहाँ पर हम अपने employees को select करते हैं. Therefore, applying appropriate technique to select a candidate. So the answer is option number 4. Moving to the next question. यहाँ पर आपको enterprise resource planning की definition दी गई है. The system that provides an organization with the sophisticated planning and control functionalities, greater connectivity to its suppliers, business partners and customers. तो ये क्या होता है? Enterprise resource planning. यही आपका यहाँ पर answer होगा. Next question is related to foreign trade policy. Foreign trade policy is an important instrument that intensifies the exporters of the country. अगर आपने इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को देखा हो तो वहां पर क्या होता है, ड्यूटी स्क्रिप्ट्स दी जाती हैं so as to intensifies the exporters. Therefore the assertion is correct. Reasoning क्या दी गई है? It is important for the exporters of country to have the knowledge of the foreign trade policy. ये भी बिल्कुल ठीक है कि एक्सपोर्टर्स को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन फॉरेन पॉलिसी जो है इंसेंटिवाइज करती है, वो क्यों करती है उसका करेक्ट रीजन यहाँ पर मेंशन नहीं है. Therefore, assertion and reasoning are correct, but R does not provide the explanation for A. Therefore, the correct option is option number 2. Then collusion की यहाँ पर बात की गई है, तो जो collusion है वो आपका explicit हो सकता है, tactic हो सकता है और illegal भी होता है कुछ countries में, जैसे कि US, Canada and most of the European Union. But आपका जो collusion है वो technological risk को कम नहीं करता. Therefore, the correct option here is option number 4. अब आपको ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस को बताना है और उन्हें एक सीक्वेंस में अरेंज करना है. सो द करेक्ट सीक्वेंस हियर इज फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजॉर्निंग. सो द ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट क्योंकि ये आपको डिमांड की डेफिनेशन दे रहा है. देन द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अगर इनपुट के प्राइसेस कम होंगे तो सप्लाई बढ़ेगी और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी. सो यहाँ पर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट नहीं होगा. देन जो आपकी डिमांड फॉर कार है और प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो इनवर्सली रिलेटेड नहीं होते, रादर पॉजिटिवली होते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है. लास्टली जो आपका डिमांड फंक्शन है वो डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, देयरफॉर यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, रादर माइनस का साइन आएगा. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. मूविंग टू द नेक्स्ट. SIP in market targeting क्या होता है? Segment invasion plan. So the option 4 is correct here. Next question. Continuous compounding को बताना है. ये होता है present value into the e raised to power r that is rate of return into the time. Next is आपके financial markets क्यों grow कर रही हैं globally? इसके reasons पूछे गए हैं. So currency fluctuation, ये तो एक negative हो गया ना, right? कि करेंसी फ्लक्चुएट कर रही है तो ये तो एक रिस्क हो जाएगा अगर हम इंटरनेशनली इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजैक्शन में, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता. देन डीरेगुलेशन, यस, कंट्रीज ने डीरेगुलेट किया है मार्केट्स को, इंटरनेशनल बैंक्स आ गए हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है. इन्हीं रीजंस की वजह से हम एक्सपैंड कर रहे हैं ग्लोबली. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट आता है मार्केट सेगमेंटेशन अगर आप बिहेवियर के बेसिस पर करें तो कौन से फैक्टर्स होंगे. यहाँ पर आपका बेनिफिट सॉर्ट आएगा, परचेज ओकेजन आएगा और यूसेज रेट भी आएगा, लेकिन लाइफ साइकिल नहीं आएगा क्योंकि लाइफ साइकिल जो है वो बेसिस होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन का. देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट विच अमंग द फॉलोइंग सीक्वेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल इश्यूज ऑफ द बिजनेस फॉर्म्स इज करेक्ट. तो क्या इश्यूज होते हैं? सबसे पहले कि वो क्या प्रोड्यूस करें, सो व्हाट टू प्रोड्यूस, उसके बाद कैसे करें और कितना करें, उसके बाद हम प्राइस को डिसाइड करते हैं. सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस आर दी बेसिक इश्यूज. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पर इंटरैक्शनलिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज ह्यूमन बिहेवियर रिजल्ट्स फ्रॉम अ कंटिन्यूअस एंड मल्टी डायरेक्शनल इंटरैक्शन बिटवीन द पर्सन एंड सिचुएशन. जब आप इंटरैक्शन कर रहे हैं लोगों के साथ, दैट इज इंटरैक्शनलिज्म. उसके बाद प्रोडक्टिविटी अप्रोच क्या होता है आपका, कि मैनेजर कैसे यूटिलाइज कर रहा है अपने रिसोर्सेज को. उसके बाद कंटिंजेंसी अप्रोच. कंटिंजेंसी अप्रोच का मतलब होता है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को लो, तो कोई भी एक डिसीजन हर एक सिचुएशन में काम नहीं करेगा। देयरफॉर दे बिलीव दैट देयर इज नो वन बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आपका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, दैट इज करेक्ट। अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो वो कॉन्वेक्स होगा टू द ओरिजिन, ये भी ठीक है। उसके बाद इनडिफरेंस कर्व ना तो इंटरसेक्ट करता है ना ही टेंजेंट होता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। लेकिन लोअर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो नहीं करता। जितना ऊपर आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी। सो हायर इंडिफरेंस कर्व शोज दी हायर सेटिस्फैक्शन, तो यहाँ पर लोअर वाला क्या शो करेगा, लोअर सेटिस्फैक्शन। सो दी फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, होमोजीनियस सबसेट इन सैम्पलिंग को क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज स्ट्रैटा। सो द ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। उसके बाद आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन होता है कैसे एक फर्म अपनी रेपुटेशन को मैनेज करके रखती है विद द कस्टमर। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1। अब अगर आपको एक ब्रांड को लाइव रखना है, कंटेम्प्रेरी और रेलेवेंट रखना है, तो मार्केटर क्या मेजर्स ले सकता है। इट कैन यूज ब्रांड एक्सटेंशन, ब्रांड रीजेन्युएशन और ब्रांड रीलॉन्च। लेकिन ब्रांड प्रोलिफरेशन नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि आप इतने सारे ब्रांड्स को एक्वायर कर लेते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो यूनिफाइड नहीं रहती। देयरफॉर द फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी टेकन एज द मेजर, रादर इट इज अ नेगेटिव थिंग। सो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे, बाकी तीनों को हम लेंगे। देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज नोवेशन। नोवेशन का मतलब होता है कि एक इंटरमीडियरी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के केसेस में क्लियरिंग हाउस होती है। वो आपकी गारंटी लेती है कि अगर एक पार्टी आपको पेमेंट नहीं करती है तो वो उसके बिहाफ पर पेमेंट करेगी। तो यहाँ पर जो है एक्सचेंज को काउंटर पार्टी बनाया जा रहा है सारे ट्रेड्स के लिए। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स की डेफिनेशन दी गई है। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Strips is when each coupon payment and the redemption value of the bonds are detached and are issued as separate and independent instrument, right? Moving forward, यहाँ पर आपको एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है। सो यहाँ पर जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम डिटेल में नहीं जा रहे, वी आर जस्ट लुकिंग एट द आंसर्स, राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके ग्लोबल पे सिस्टम के क्या स्टेप्स हैं? दीज आर मेंशन इन द फर्स्ट ऑप्शन। ये सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है, मतलब पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर एग्जीक्यूटिव बिहेवियर को आइडेंटिफाई करो, फिर फिलॉसफी फ्रेमवर्क बनाओ ग्लोबली, गैप्स को आइडेंटिफाई करो, फिर अपने पेमेंट सिस्टम को सिस्टमाइज करो एंड फाइनली पॉलिसीज को अडॉप्ट करो। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज विसल ब्लोइंग इज नॉर्मली अनजस्टिफाइड इन केस ऑफ फॉलोइंग। सबसे पहले विसल ब्लोइंग क्या होता है कि अगर एक कंपनी में कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है तो उसके बारे में कोई पर्सन आके इन्फॉर्म कर दे। अब वो पर्सन कौन हो सकता है, या तो आउटसाइडर या इनसाइडर। तो बेसिकली वो क्या करता है, इलीगल एक्टिविटी को एक्सपोज कर देता है। तो विसल ब्लोइंग किस केस में अनजस्टिफाइड होती है, अगर विसल ब्लोइंग करी जाए अल्टीरियर मोटिव के लिए या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। तो यहाँ पर विसल ब्लोइंग को अनजस्टिफाई किया गया है। ऐसे ही जब आपके पास इनसफिशिएंट एविडेंस है, मतलब कि आप फालतू में आकर किसी पर भी ब्लेम डाल रहे हैं, सो दैट इज आल्सो नॉट करेक्ट। सो ए एंड सी आर राइट, देयरफॉर द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज एट अ गिवन सिग्निफिकेंस लेवल सैंपल रिजल्ट इन रिजेक्शन रीजन आर नोन एज। इट इज नोन एज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और स्टैटिस्टिकली क्रिटिकल। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। मूविंग फॉरवर्ड, नेट इनकम अप्रोच जो है वो सबसे पहले आपको याद रखना है, इसमें कोई भी टैक्सेस को कंसिडर नहीं करते। तो ऑप्शन 1 और 2 तो आपका एलिमिनेट हो गया। उसके अलावा जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम होता है, और जैसे जैसे आप डेट को यूज करते हैं तो उससे आपका जो रिस्क परसेप्शन है इन्वेस्टर्स का वो चेंज नहीं होता। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज एमएनसी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है तो हमें एक करेक्ट ऑर्डर बताना है इन टर्म्स ऑफ द इंक्रीजिंग रिस्क फॉर द एंट्री मोड्स। सो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी जो है ब्रांच ऑफिस खोलेगी, क्योंकि ब्रांच ऑफिस में सबसे लीस्ट रिस्क होता है, और सबसे ज्यादा रिस्क किस में होता है, आपका होली ओन सब्सिडरी में। सो अगर आपको ये दो ऑप्शन भी पता थे तो भी आप इजिली आंसर कर सकते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। So assertion क्या है कि plant location is often oriented towards dominant factors such as raw material sources, लेकिन warehouse location जो है distribution oriented होती है। ये statement बिल्कुल correct है क्योंकि plant location जो है raw materials पे dependent होगी obviously, क्योंकि उसकी सारी manufacturing किस पर dependent है, आपके raw materials पर। लेकिन आपकी जो warehousing की location होगी वो distribution पर होगी, क्योंकि आपको कहाँ से गुड्स को ट्रांसफर करना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कितना डिस्टेंस आपके वेयरहाउस और आपके कस्टमर्स के बीच में, ये सब किस पर डिपेंडेंट है, आपके वेयरहाउस लोकेशन पर या फिर आपके डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन पर। देन द रीजनिंग इज प्लांट लोकेशन डिसीजन इज ड्रिवन बाय द कंपटीशन एंड कॉम्पिटिटर व्हाइल द वेयरहाउस डिसीजन इज एक्सक्लूसिवली ड्रिवन बाय द कॉस्ट कंसिडरेशंस। ऑब्वियसली जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को कंपेयर करते हैं कॉम्पिटिटर से, वेयरहाउस जब आप वेयरहाउसिंग के डिसीजंस लेते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी कॉस्ट सबसे कम कहाँ आएंगी, मतलब कि क्या आपको गुड को ट्रांसपोर्ट करना चाहिए या फिर आपको वहां पर वेयरहाउस खोलना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अपने आप में, लेकिन जो रीजनिंग है वो करेक्ट नहीं है फॉर द असर्शन। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि 5 क्वेश्चंस आए थे आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, जिसमें कि हम वेरिएंस एनालिसिस से डील कर रहे हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो है लेबर वेरिएंस से भी आए थे, ओवरहेड वेरिएंस से भी और मटेरियल वेरिएंस से भी। सो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व देम, रादर आई हैव गिवन द फॉर्मूलाज, आप इन फॉर्मूलाज को यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। सो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला इज standard hours for actual production minus budgeted hours into the standard rate। तो इसका जो correct answer है वो है option number 4। Next question में आपसे पूछा गया है direct material price variance, इसका formula is actual quantity into the standard unit price minus the actual unit price। इसका option जो correct है वो भी option number 4 है। Next is material quantity variance, इसका formula is also mentioned here, standard quantity for actual output minus actual quantity into the standard price। The correct answer here is option number 2। Next question, यहाँ पर आपको overhead spending variance पूछा है, उसका formula is actual factory overhead minus budgeted allowance based on the actual hours worked। So the option 2 is correct here। Lastly, labor efficiency variance से question आया, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वेज रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ प्रोडक्शन माइनस द एक्चुअल आवर्स वर्क। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको एक केस स्टडी दी गई थी। इस केस स्टडी में एक वर्कर था या एम्प्लॉय था, दैट इज दिनेश, जिसके की मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे थे एंड इसकी वजह से उसने कंपनी में आकर काफी रेप्यूटेशन गेन की, लेकिन ड्यू टू सर्टेन पर्सनल रीजंस उसकी परफॉर्मेंस गिरती गई और उसको प्रमोशन नहीं मिला, और प्रमोशन ना मिलने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस और गिर गई। उसके अलावा उस पर एक और चीज का ब्लेम था, दैट ही इज फ्लर्टिंग विद द फीमेल एम्प्लॉइज। इसकी वजह से दिनेश जो है इमोशनली और प्रोफेशनली डिप्रेस हो गया। सो इस केस स्टडी पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए। द फर्स्ट वाज एचआर मैनेजर शुड इम्पार्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स टू दिनेश। तो यहाँ पर जैसा कि देखा जा रहा है कि दिनेश जब बातें कर रहा था तो उसको फ्लर्टेशन माना गया, वो इमोशनली वीक हो गया था। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके पास पीपल स्किल नहीं है, वो इंटरैक्ट करना नहीं जानता लोगों से। देयरफॉर द पीपल स्किल्स शुड बी इम्पार्टेड बाय द मैनेजमेंट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज एचआर मैनेजर व्हिच काउंसलिंग मोड डू यू चूज फॉर दिनेश। यहाँ पर डेवलपमेंटल मोड चूज किया जाएगा क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पिंग द पीपल। यहाँ पर दिनेश जो है वो इमोशनली वीक हो चुका है, वो प्रोफेशनली डिप्रेस्ड हो चुका है। देयरफॉर वी नीड टू मेक हिम अंडरस्टैंड द पीपल एंड नीड टू टॉक टू हिम। तो यहाँ पर जो मोड है वो होगा डेवलपमेंटल मोड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। एज एन एचआर मैनेजर व्हिच लाइफ पोजीशन इन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वुड यू एक्सपेक्ट दिनेश टू हैव। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की बात की गई है, जिसमें कि 4 लाइफ पोजीशंस होती हैं, दैट इज आई एम ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर ओके, आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके, आई एम ओके एंड यू आर नॉट ओके। इन चारों में से मैनेजर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिनेश के लिए कि वो फॉलो करे आई एम ओके एंड यू आर ओके, क्योंकि ये हेल्दीएस्ट पोजीशन होती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हिच टाइप ऑफ प्रमोशन पॉलिसी डू यू रिकमेंड। तो यहाँ पर मेरिट बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एक नया एम्प्लॉय आया था उसको प्रमोशन मिल गई थी, वेयर एज दिनेश के पास इतने अच्छे मार्क्स थे फिर भी उसे प्रमोशन नहीं मिला। तो जो प्रमोशन है मेरिट बेस्ड होना चाहिए। उसके अलावा एक्रीशन ऑफ ड्यूटीज, तो जब स्टार्टिंग में दिनेश ने एंटर किया था ऑर्गेनाइजेशन में तो उसने रेप्यूटेशन पा ली थी और उसकी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई थी। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी हैं तो उन्हें प्रमोट भी करना चाहिए, देयरफॉर एक्रीशन ऑफ ड्यूटीज। तो इन दोनों पॉलिसी को यूज करना चाहिए फर्म को। सो द ऑप्शन नंबर 2 दैट इज बी एंड सी इज करेक्ट हियर। देन द लास्ट क्वेश्चन इज Which management approach should HR manager deploy? तो यहाँ पर interactionalism approach use करना चाहिए, that is make Dinesh understand how to interact with the people। ये सारे questions थे जो आपके management paper 2 में पूछे गए। अगर आपको इन questions में से किसी का भी answer गलत लगता है, do challenge it on the NTA website। If this video was informational and helpful to you, do subscribe to our channel and also like this video। Thank you so much।